मार्च 1964। अभी तो हो संगम युगी ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, कलियुगी द्वापर युगी भक्ति मार्ग ये ब्राह्मण नहीं हो, संगम युगी ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। ज्ञानतर हुआ भक्ति मार्गीय ब्राह्मणों में और संगम युगी ब्राह्मणों में क्या अंतर हुआ? भक्ति मार्गीय ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, लेकिन उनका ब्रह्मा मौजूद नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद। तो कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी, हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर कोई ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, सूक्ष्म वतन में रहता है, तो ये बात झूठ हो जाती है। संगम युगी ब्राह्मण उनको नहीं कहेंगे, संगम युगी ब्राह्मण बना ब्रह्मा भी मौजूद हो और ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी मौजूद। बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहां से आवेंगे? और यहां तो सारी सृष्टि को 500-700 करोड़ की जो भी मनुष्य सृष्टि है सबको शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनेंगे तो ब्रह्मा मुख की बात को भी मानेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो बात को भी नहीं मानेंगे। तो समझो बाकी सब है शूद्र, क्योंकि उनका ब्रह्मा मौजूद नहीं है, उन सबकी है शूद्र बुद्धि और तुम्हारी है ब्राह्मण बुद्धि। उन ब्राह्मणों की बुद्धि और तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में कितना फर्क है? तुमको बुद्धि देने वाला बाप आया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें बुद्धि दे रहा है, श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात श्रीमत दे रहा है, तो बहुत फर्क हो जाता है। अभी तुम जानते हो कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद को ही ब्राह्मण कहा जाता है, विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव कहा जाता है, शिव के फॉलोअर्स को शैव कहा जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। बच्चे के अर्थ में या फॉलोअर्स के अर्थ में, तो तुम अर्थ सहित ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण हो। फिर देवता बन रहे हैं इस योग और पढ़ाई से, शूद्र को और शूद्र बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि ही नहीं कह सकती,
उनको असक्ष बुद्धि कहा जाएगा। बुद्धि में गंध भरा रहता है और तुम्हारी बुद्धि पवित्र ब्राह्मण बनने के कारण स्वच्छ बुद्धि रहती है। अभी तुम अल्प बुद्धि से बेहद की विशाल बुद्धि बनती हो। उनकी विनाश काले विनाशी बुद्धि और तुमको पांडव बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि बड़े से बड़ा पंडा इस सृष्टि से वापस ले जाने के लिए आया हुआ है। अभी तुम पांडव बन रहे हो, पक्के पांडव बन जावेंगे तो देवान गल जावेगा। गायन भी है पांडव ऊंची स्थिति में जाकर के गल मरे, पहाड़ों पर गल मरे। तो देखो तुम बच्चों को कितनी पॉइंट्स मिलती है, इन पॉइंट्स को स्मृति में लाते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको ब्रह्मा द्वारा भगवान पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि हमको संगम युग में ब्रह्मा द्वारा भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए उनको भक्त बुद्धि कहा जाता है। परंतु है तो उनका भी देवता धर्म, लेकिन वो भूले हुए हैं। अभी तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में सच्चे पंडा के पुत्र पांडव हो। मूल वतन में बाबा के साथ हम आत्मे रहने वाली हैं। वो बाबा को कहा जाता है परमात्मा। बाप को नहीं कहा जाता है परमात्मा, उनको क्या कहा जाता है? परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। वो परम पिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर ब्रह्मा में आता है तो पहले पहले जिस ब्रह्मा में आता है उसका नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्म। प्रजापिता ब्रह्मा सारी प्रजा का पिता ठहरा। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी पाठधारी हैं, उन सब पाठधारी मनुष्यों का बाप जरूर हीरो पाठधारी होगा। तो परमात्मा कहा जाता है, लेकिन पहचान तब होती है जब सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करते हैं। तुम भी परम धाम के रहने वाले हो, तुम जानते हो कि बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। संगम युग में बाप आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं।
और तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो। जन्म मरण के चक्र में बाबा नहीं आते, है बेहद की बात। तुम तो 63 जन्म हद में मृत्यु हद में जन्म लेके आए, अभी संगम युग में है बेहद की मृत्यु और बेहद का जन्म। आत्मा को निश्चय होता है कि हमें प्रैक्टिकल में बाप मिला है, प्रैक्टिकल अर्थात शरीर के साथ बाप मिला है, हम बाप के बच्चे बने। ये हमारा बेहद का बाप है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, फिर भी हद के बाप, हद की मनुष्य शक्ति के बाप हैं। बल क्रिश्चियंस की संख्या 100-150 करोड़ है, परंतु उसे भी हद कहेंगे। ये तो बेहद का बाप है। जो भी 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति है, सब का बाप है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। माना जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, सुप्रीम सोल भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, बाबा के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्र में नहीं आता। शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो संगम युग की यादगार है। 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं दिखाया जाता। और सबका जन्म मृत्यु दिखाया गया। उनको ज्ञान का सागर नारीसुन कहा जाता है। बच्चे ये तो समझ सकते हैं कि ये 84 का चक्र है। और इस झाड़ का बीज ऊपर में है, ऊपर में अर्थात ऊंची स्टेज वाला है। और इस झाड़ का देवी देवता सनातन धर्म फाउंडेशन है। वो देवी देवता भी मनुष्य होते हैं, परंतु सुधरे हुए मनुष्य होते हैं। वो दैवी गुण वाले हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। उनमें दिव्य गुण भरे रहते हैं। अब तुम जानते हो कि हम ऐसे दिव्य गुण वाले देवता बन रहे हैं, अभी पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता बने नहीं है। 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं बने। 16 कला संपूर्ण तब बनेंगे जब पक्के ब्राह्मण बन जाते। देवताएं तो दैवी गुण वाले होते हैं, बाद में उनके फिर बड़ बदलते जाते हैं।
जन्म लेते लेते मृत्यु में आते आते आत्मा की शक्ति छीन होती जाती है। अभी तो हम ब्राह्मण बन गए, इन बातों को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम ऊंचे ऊंचे वर्ण के हैं, हमारा वर्ण और कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों का वर्ण बहुत अंतर है। इसलिए ब्राह्मणों की नौ पुरियां गाई हुई है। कलयुग के अंत में दुनिया में नौ धर्म होते हैं मुख्य, तो नौ पुरियां भी गाई हुई है ब्राह्मणों की। नंबरवार पुरियां है, नंबरवार ब्राह्मण होते हैं। अभी हम तो ऊंचते ऊंचे वर्ण के, हमारा कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण तो है, लेकिन ब्राह्मणों में भी हम ऊंचते ऊंचे पुरी के हैं। और ब्राह्मण होते हैं संगम युग पर, और किसी युग में ब्राह्मण नहीं होते। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। साधारण संगम नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग उसे कहा जाता है जहां पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है। नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाते हैं, पुरुषोत्तम युग के कारण ही फिर पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसलिए बोला है पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन और घड़ी भी ड्रामा में नुधी हुई। पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम वर्ष मनाया जाता है। ये भी संगम युग की यादगार है। संगम युग में हर युग की शूटिंग में हर चौथी वर्ष विशेष परिवर्तन होता है। अभी तो पुरुषोत्तम बनने में हमको 40-50 वर्ष लगते, कौन से वर्ष की वाणी है? सिक्सटी सेवन की वाणी है। 50-60 वर्ष बताइए, तो ये 50-60 वर्ष कब पूरे होते हैं? ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा हो और चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा हो। साल की वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश होता है और 40 वर्ष ऐड होते हैं पुरुषार्थ के, तो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु 76 में पूरी होती है। तो उसकी बुद्धि की स्टेज ऐसी बन जाती है कि वो मृत्यु लोक में अपने को नहीं मानता। सारी दुनिया भलमरी पड़ी है,
लेकिन हम बाप के बच्चे हैं। हमको जीते जी नई दुनिया में जाना है, ये बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है। इसी तरह ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के होते हैं, लेकिन मुख्य है दो पार्टधारी, एक राम की सोल और दूसरी कृष्ण की सोल। ये हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। इसलिए मुरली में बोला है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, बड़ी मां है, दो बाप हैं, दो माताएं भी जरूर दो हैं, छोटी मां और बड़ी मां, बाप भी दो है। मनुष्य शक्ति का पिता बेहद का बाप, और जो भी ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उन सब का बाप, सुप्रीम सोल बाप, शिव ज्योति बिंदु। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम भी पुरुषोत्तम संगम योग पर पुरुषों में उत्तम बनने वाले देवी देवता नंबर वार प्रत्यक्ष होने वाली है। जिस वर्ष जो प्रत्यक्ष होता है उस वर्ष वो उसके लिए पुरुषोत्तम वर्ष कहा जाएगा। तो पुरुषोत्तम बनने में 50-60 वर्ष जो बताए हैं वो एक्यूरेट क्यों नहीं बताए? 50 बताते या 60 बताते, दो बातें क्यों बताई? दो आत्माएं हैं ना, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण दो आत्माएं हैं, एक को 40 वर्ष लगता है और दूसरे को ब्रह्मासो 100 त्याग करके मृत्यु लोक का देव आत्मा बनना पड़ता है। देव आत्मा है विष्णु, लेकिन विष्णु पहले तो होता नहीं, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बड़ेपन का नाम है, पहले तो बच्चा होता है। तो कृष्ण बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि माना ज्ञान का तंत पूरा बुद्धि में नहीं बैठता। मृत्यु लोग तो खलास हो जाता है। तो कृष्ण की सोल जो दादा लेकर आगे ब्रह्मा बनती है उसका मृत्यु लोग कब पूरा होता है? जब मृत्यु लोग को पूरा होता है तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा एक वर्ष के लिए गैप ले लेती। सन 87-88 में कोई अव्यक्तवाणी नहीं चलाई गई, सारी ताकत उस आत्मा की एडवांस पार्टी में लग जाती, नई दुनिया का सृजन करने में लग जाती है। इसलिए 87 और 88 इन वर्षों में ब्रह्मा की सोल मृत्यु लोक को क्रॉस करके वैकुंठ लोक में आ जाती, जो शास्त्रों में यादगार दिखाई हुई है।
सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण की सोल आराम से लेटी हुई है। अंगुष्ठाकार आत्मा को चूसते हुए मन मनन चिंतन मंथन की स्थिति में लिप्त है। वो गर्भ काल की शुरुआत है। आत्मा गर्भ में आती है तो तीन आयाम होते हैं। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने से चार पांच महीने पहले ही उसका गर्भ तैयार हो जाता है। निर्जीव गर्भपिंड वो गर्भपिंड चार पांच महीने का जब होता है तो मनुष्य शरीर छोड़ करके उस गर्भपिंड में प्रवेश करता है। ये दूसरा आयाम हुआ। और जब नौ महीने पूरे होते हैं तो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने जन्म लेकर। तो कृष्ण की सोल भी और जो मृत्यु लोग है उसका भान खलास करती है और गर्भ काल के वैकुंठ लोक में आ जाती है। कोई बुद्धि रूपी धरणी में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करती है तो विशेष कार्य होता है। कृष्ण के साथ भागवती की कथा जुड़ी हुई है। बिन फेरे हम तेरे बनने वाली नौ कन्याएं एक ही वर्ष में एडवांस पार्टी में प्रवेश समर्पित हो जाती। ये कार्य अयुबा गरुब है। संसार में ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। यज्ञ के आदिकाल में 300-400 कन्याएं माताएं यज्ञ में आई थी लेकिन वो तो वयोवृद्ध तन था। पार्ट भी प्रजा पिता तक और प्रजा माता के रूप में था। उस रूप का संबंध नहीं था। ये भगवान के प्रत्यक्ष होने की भागवत है। घर घाट छोड़ करके भाग खड़ी होती है। ये फाउंडेशन का पीरियड ब्राह्मणों के समाज में जैसे कि बिजली कौंध जाती है। थोड़े समय के लिए बिजली कौंधती है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में रावण का रूप हर साल बढ़ता चला जाता है। पहले कम ऊंचाई का बनाते थे, फिर वर्ष वर्ष और ऊंचा और बड़ा बनाते जाते।
तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो प्रत्यक्षता को दबाने के लिए और ही जोर शोर से पंप एंड शो के प्रोग्राम किए जाते हैं। माया का भवता होता है और वो प्रत्यक्षता को दबा दिया जाता है। जैसे गर्भ में 8-9 महीने पूरे होते हैं तो फिर बच्चा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही यहां ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में 98 में अगस्त जन्माष्टमी के दिन उसे कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता हो जाती। कृष्ण की प्रत्यक्षता जेल से गाई हुई है, ये बेहद की जेल है, हद की जेल भी है और बेहद की जेल भी। प्रत्यक्ष होता है तो दुनिया वालों की नजर से लोप हो जाता है, दुनिया वाले माने ब्राह्मणों की दुनिया से। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के वत्स हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। बाप बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, बाप स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि ये गाया हुआ है कि बाप का परिचय बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन परिचय देना अलग बात और प्रत्यक्ष होना अलग बात। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, फादर सो सन्स, बाद में सन्स सो फादर, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबर वार शक्तिशाली है। जो बच्चे नंबर वार शक्तिशाली है वो नंबर वार अपना प्रयास करते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। लेकिन बाप तो रमतु रमजवाज है, अपने को प्रत्यक्ष नहीं होने देता और बच्चों को प्रत्यक्ष करके छोड़ता है। बाप को तो पूरी माला ही तैयार करनी है, जिस माला को सिमरते समय लोग जपते हैं राम 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 राम, एक एक दाना आगे बढ़ता जाएगा सिमरण में और राम राम रटते जाएंगे। जरूर है राम के ही अंतिम चोले के द्वारा सुप्रीम सोल जो निराकार राम है वो माला तैयार करता है। माला अर्थात संगठन, वो संगठन का किला जिसके लिए मुरली में बोला है ये ब्राह्मणों का किला पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सके। असुर अर्थात तो दो दो चार चार बाप बनाने वाला, देवता अर्थात 84 जन्म लेने वाला, संगम युग में ही एक बाप से पूरी प्राप्ति करने वाला, ऐसी 84 जन्म लेने वाली आत्माएं
घड़ी घड़ी कन्वर्ट नहीं होती है। इसलिए बोला है तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, जो पक्के होंगे वो कहीं भी कन्वर्ट होकर के और दूसरे धर्म में जा न सके। ऐसे और धर्म की आत्माएं होती हैं, जो अपने धर्म पिता के बाद सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो, जो पक्के क्रिश्चियन पक्के मुसलमान होंगे, क्राइस्ट या मोहम्मद या इब्राहिम के बाद आने वाली आत्माएं, वो अपने धर्म की पक्की होती है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो ही भारतवासी हैं, जो सतयुग त्रेता में तो जन्म लेते हैं लेकिन कम जन्म लेते हैं। बाप से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर पाते। सुप्रीम सोल बाप को जो साकार सृष्टि पर साकार में आया हुआ होता है उसको पक्का पहचान नहीं पाते। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। क्योंकि यहां ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त बेसिक की दुनिया हो, दोनों प्रकार की दुनिया में नौ धर्म की आत्मा होती है। जो बेसिक में सूर्यवंशी है असल, वो यज्ञ के आदि में साथ थे, बाद में राम वाली आत्मा के जाने के साथ ही साथ छोड़ जाते। बाकी चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सभी धर्म वाले रह जाते, और जो थोड़े बहुत बचते भी हैं वो भी ट्रांसफर होते रहते। एडवांस वालों में ऐसा कोई नहीं होता, चाहे वो नया आने वाला ही क्यों न हो, जिसने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज न ली। बेसिक में भी नौ पुरियों के ब्राह्मण होते हैं और एडवांस में भी नौ पुरियों के ब्राह्मण मौजूद होते हैं, लेकिन सब जो बीज रूप आत्माएं हैं वो छिलका चढ़ी हुई होती है। दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ जाता है तो वो छिलका त्यागने में टाइम लग जाता है। वो आत्मा ज्ञान की पावर से उस छिलके को उतार देती है, योग की पावर से उतार देती है, भस्म कर देती है। कोई बार बार देहभान में आने के कारण देहभान के छिलके को और ही मजबूत करती जाती है। तो बाप उनकी बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। बार बार विस्मृति में आ जाते हैं, और जब विस्मृति में आते हैं तो कारण कोई न कोई देहधारी धर्मगुरु बनता है, जो धर्म पिता के रूप में आगे चलकर के प्रत्यक्ष होने वाला होता है। अभी तो बाप कहते हैं कि मैं राम कृष्ण के द्वारा इस संसार में संगम युग में प्रत्यक्ष होता हूं, कृष्ण वाली सोल के द्वारा मां के रूप में
जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ, और राम वाली आत्मा के द्वारा राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हमको ये कोई देहधारी राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि नहीं पढ़ाने वाले, ये सब तो पढ़ने वाली आत्माएं हैं। हमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप है, वो रूहानी बाप रूहों को आकर के पढ़ाते। जो 84 जन्म लेने वाली रूहें हैं, एक जन्म भी उनका कम नहीं होता, वर्ष कम हो सकते हैं लेकिन जन्म पूरे 84 होते हैं। ऐसी रूहानी स्टेज धारण करने वाली आत्माओं को मैं आकर के पढ़ाता हूं। उनमें कुछ आत्माएं तो ऐसी है जो भल नई दुनिया में बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली है, लेकिन वो भी वर्तमान समय संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में रूहानियत की पढ़ाई पक्की कर लेती है। बल शरीर छूट जाता है, तो भी कोई न कोई में प्रवेश करके वो पढ़ाई को पूरा करती है, पूरे 84 जन्म लेने वाली बन जाती है। ऐसी रूहों को आकर के मैं पढ़ाता हूं। ऐसी रूहानियत की स्टेज धारण करने वाली आत्माओं की संख्या कितनी है? 9 लाख। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन होता है, ऐसे नहीं कि जो बीज रूप आत्मा है बाप के रूप में पाठ बजाने वाली है उनके द्वारा ही काम संपन्न होगा। ये तो पूरी फैमिली है, बाप भी चाहिए, बाप जैसे बच्चे भी चाहिए, माँ भी चाहिए, माता जैसे बच्चे भी चाहिए, और फिर माँ बाप के रूप में जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं उनसे सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे, वो आत्माएं भी चाहिए जिनको बेबी बुद्धि कहा जाता है। ब्रह्मा को बेबी बुद्धि कहते हैं, तो जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा ही गीता का भगवान बन करके बैठ जाता है अंत तक, वो आत्माएं भी बेबी बुद्धि है। उनकी बुद्धि में ये पक्का नहीं हो पाता अंत तक, अंत मते सो ये गति नहीं बनती कि गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा शिव शंकर भोले भाले के रूप में गाया जाता है। वो कृष्ण के 84वें जन्म के अंतिम चोले को ही गीता का साकार भगवान समझ करके बैठ जाती है, और ये बड़े ते बड़ी भारी ते भारी भूल रह जाने के कारण वो पूरे 84 जन्म नहीं ले पाती। तो उनको नहीं कहेंगे कि वो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो अधूरे देवता बनते हैं। जो अधूरे देवता बनते हैं वो सतयुग के बनने वाले कम कलाओं वाले नारायण के प्रजापद में आते हैं, वो कच्ची प्रजा है। जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी भी खसूसियत है, वो है यथा राजा तथा प्रजा, सब नारायण नारायणीय जैसे है।
सब ज्ञानी तू आत्मा होते, सब ज्ञान की चमक विनाश के काल में फैलाने वाले हैं, संसार में सितारों के रूप में चमकने वाले हैं, लेकिन वो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रखते हैं, इसलिए एक मत वाले हैं, अनेक मतें फैलाने वाले नहीं। और उनको फिर झंडा मिलता है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल बनाने वाले। दूसरी आत्माएं ऐसी डिनाइस्टी स्थापन करने के निमित्त नहीं बन पाती, क्योंकि दो दो बाप बनाती है, दो दो मतों में आती है, द्वैतवाद फैलाती है। यहां संघयुग में भी द्वैतवाद फैलाती है, तो जो सतयुग की नई दुनिया बनेगी, भावी दूसरे नारायण के राज्य में आकर के जन्म लेंगे, वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी सतयुग का नारायण होगा वो अधूरा किस्म का होगा। पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण यहां संगम युग में वो द्वापर युग से कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, उनको फॉलो करने वाली प्रजा भी कन्वर्ट हो जाती है, खुद भी धोखा खाते हैं और भारतवासियों को भी धोखा खिलाते हैं, धोखेबाज आत्माएं हैं। यहां संगम युग में भगवान बाप को धोखा देती है, तो वहां सब भारतवासियों को धोखा देती है, भारत का नाम बदनाम करने वाली बनती है। इसलिए बोला है सदगुरु निंदक और न पालो। यहां जो नई दुनिया बनने वाली है उस नई दुनिया में भी ठौर नहीं पावेंगी, और जो भविष्य में 63 जन्म पाठ बजाती है वहां भारत में भी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चली जाती, धर्म धर्म से अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, वो भी श्रेष्ठ है मृत्यु को पाना, लेकिन दूसरे धर्म में चले जाना जीते जी वो मृत्यु के भय से भी ज्यादा खराब है। जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे धर्म पिताओं की रहबरी में चली जाती है, वो धर्म पिताएं और उनके बाद आने वाले जो पक्के फॉलोअर्स हैं वो उनको दास दासी बना करके रखते हैं, ऐसे नहीं कि उनको राजाई मिल जाती है। इसलिए आधीनता का जीवन हो जाता है, जन्म जन्मांतर की आधीन रहने वाली आत्माएं हैं वो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी देहधारियों की आधीनता को स्वीकार कर लेती है। बाप तो राजा बनाने के लिए आया हुआ है, आधीनता सिखाने के लिए नहीं आया है। वो तो बताता है बच्चे ये राजयोग सीख करके तुमको जन्म जन्मांतर का राजा बनना है, कोई के आधीनता में पलने वाला नहीं बनना है। तो तुम रूहानी बच्चे हो, इन रूहों को बाप पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये बात आनी चाहिए कि हम आत्मा सुन रही है, हम आत्मा बोल रही है। अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता,
आत्मा कितनी छोटी है। प्रदर्शनी में भी परिचय देना है, पहले पहले परिचय देना है आत्मा और परमात्मा का। असल आत्मा कौन है और वो आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है, भक्ति मार्ग में समझ लेते हैं हर आत्मा से परमात्मा बनती है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो वीरो पाठधारी आत्मा है वही परमात्मा पद पाती है। सब आत्माएं आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकती, ये नॉलेज तुमको पहले थी। कब थी? 5000 वर्ष पहले। अभी फिर ये नॉलेज तुमको मिलती है, परंतु आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्वजन्म की बातें भूल जाती है, तो आत्मा में वो नाली भी कहां से आ गई। इसलिए आत्मा बाप को याद करती है, बाप को याद करती है कि आकर के हमको ऐसी नाली दे दो, इस ज्ञान की पावर से हम मुक्त हो जाए। ज्ञान का सागर आकर के नालिश देते हैं, ये आत्मा की नालिश और कोई में भी नहीं है। बड़े से बड़े जो धर्म पिताएं हैं उनमें भी नहीं है, वो भी अपने फॉलोअर्स को उनके सब जन्मों का ज्ञान नहीं सुना सकते। यहां तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का ऐसा प्रोसीजर आकर के तुम बच्चों को सुनाता हूं, देता हूं कि तुमको अनेक जन्मों की थ्योरी, आत्मा के पार्ट बजाने की जो थ्योरी है वो बुद्धि में बैठ जाती है। तुम अपने अनेक जन्मों को जान जाते हो, 84 जन्मों में तुम आत्मा ने कैसे कैसे चोले धारण किए, कैसे कैसे देश में कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं, वो बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। और बाप जो सुप्रीम सोल बाप है वो एक ही बार आकर के इस धरती पर पाठधारी बनता है। वो धर्म पिताएं तो बार बार जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि अभी ये दुनिया पलट रही है, पलटने का पहला पहला फाउंडेशन कब होता है? उससे पहले 36 में बाप आया और ब्रह्मा की बुद्धि को पलट दिया। बुद्धि लौकिक से अलौकिक बन गई। बाद में सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई। राम और राम के फॉलोअर्स यज्ञ को छोड़ करके एडवांस में जाने के लिए शिरकत कर गए। वो आत्मा यज्ञ में फिर दोबारा प्रत्यक्ष होती है। ब्राह्मणत्व की पावर उनका जो दूसरे जन्म में ऐड हो जाती है। और मुरलियों में ब्रह्मा के मुख से ये घोषणा की जाती है कि आने वाले 10 वर्षों में नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये घोषणा 66 में की जाती है। ज्ञानामृत पत्रिका में वो घोषणा छपी हुई है, मुरलियों में भी छापी जाती रही,
अव्यक्त वाणियों में भी आती रही और अखबारों में भी छपाया गया। राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी दिया गया और जो बड़े बड़े चित्र छपाए गए थे साक्षात्कार से और उद्योग से जो बनाए गए थे उन चित्रों में भी घोषणा छपाई गई कि 1976 में कैसे नई दुनिया की स्थापना होगी, माना नया संगठन तैयार होगा और पुराना संगठन धराशायी हो जाएगा। जिनको ज्ञान की दृष्टि होगी वो इस बात को जान सकेंगे, देख सकेंगे। जिनको ज्ञान की दृष्टि का तीसरा नेत्र नहीं मिला है वो इस बात को नहीं जान सकेंगे। तो वो बाप बाप के रूप में 1976 में प्रत्यक्ष होता है तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है। अब ये दुनिया पलट रही है, ये ब्राह्मणों की जो बेसिक नॉलेज की दुनिया है वो पलटती है और एडवांस नॉलेज की नई दुनिया तैयार होती है। पुराने से नई दुनिया बन रही है, पुराने ब्राह्मणों से एडवांस वाले नॉलेज तैयार होते हैं। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जरूर पुरानी होगी, अभी फिर से नई दुनिया बन रही है। ये तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। जब आत्मा को जंक लग जाती है तो जंक लगी हुई चीज को मिट्टी के तेल में डालते हैं। यहां भी आत्मा को जंक लगती है। बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों में जंक लगी तो 76 में वो आत्माएं निकाल के जिनके लिए बोला है कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखो, तो देह अभिमानी की मिट्टी में देवता वर्ण की जब चौथे वर्ण की शूटिंग होती है चौथी अवस्था की तो देह अभिमानी की मिट्टी में मिलाई जाती है। मिट्टी का तेल उनमें पड़ता है तो जंक छूट जाती। अभी आत्मा चैतन्य है, वो चीजें तो जो जंक छुड़ाई जाती है जड़ होती है, इस आत्मा में विकारों की खाद पड़ जाती है। तो वो विकारों की खाद कैसे निकले? विकारों की खाद निकालने के लिए तरीका क्या है? वो जंक पड़ जाती है, वो जंक कैसे छुटाई जाए ये समझानी बाप के बिना कोई नहीं दे सकता। बाप ही आकर के बताते हैं कि त्रेता युग शुरू हुआ तो चांदी जैसी आत्माएं परमधाम से आई, उनके संग के रंग में सत्युग की सोने जैसी आत्माएं मिक्स होने लगी, चांदी की खाद सोने में पड़ गई। द्वापर शुरू हुआ तो रजो प्रधान धर्म पिताएं उतरे और उनके साथ साथ ढेर की ढेर आत्माएं आई। वो ढेर की ढेर आत्माएं तांबे जैसी होती है, क्रोध और काम उन आत्माओं में दो विकारों की प्रधानता होती है, उनको वो त्याग नहीं सकते, ऐसी आत्माएं मिक्स हो जाती
और कलयुग में लोहे जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं। उनके संग के रंग में आकर के वो देवताएं जो मुट्ठी भर थे वो सब लोहे जैसे बन जाते हैं। थी तो वो आत्माएं 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्माएं थी, लेकिन आखिरी इन आखिरी जन्म में आते आते वो सब खाद वाली बन जाती। उनकी खाद को उतारने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के बताते हैं कि तुम अनेकों के संग के रंग में आकर के खाद वाले पतित बन गए। अब एक बाप आया हुआ जो सदा से बगाया जाता है, जो कभी भी विकारों की गिरफ्त में नहीं आता, वो पार्ट बजाएगा। उसके संग के रंग में आवेंगे तो फिर से पति से पावन बन जाना, सारी खाद निकल जाएगी। और अगर इस बीच में औरों के संग में आते रहे अथवा दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का प्रभाव लेते रहे तो गारंटी नहीं है कि देवी देवता सनातन धर्म के पक्के 84 जन्म लेने वाली पक्की आत्मा बने। एक बार माफ होगा, दूसरी बार माफ होगा, बार बार माफ थोड़े ही होता रहेगा। ओम शांति।